नमस्कार, न्यूज पुनेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। संसद में किसी भी बिल को पास करने के लिए सत्ता पक्ष को अपनी संख्या बढ़ानी होती है। लोकसभा चुनाव का परिणाम, जैसा कि आपने देखा कि बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया था लेकिन खुद 240 पर अटक गई। बावजूद इसके एनडीए ने पूर्ण बहुमत के साथ केंद्र में सरकार बनाई और अब बारी है राज्यसभा चुनाव की। राज्यसभा चुनाव में 19 सीटें खाली हैं और इस 19 सीटों पर चुनाव होना है, लेकिन सवाल ये है कि क्या राज्यसभा में इंडिया ब्लॉक अपने सांसदों की संख्या बढ़ाएंगे या फिर एनडीए ब्लॉक से बड़ा खेला होने की तैयारी चल रही है। क्या है इनसाइड स्टोरी, आइए हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। से 4 मनोनीत सदस्य शनिवार को रिटायर हो गए हैं। ये सभी सदस्य भाजपा के कोटे से थे और इनके सदन से विदा होने के साथ ही उसकी संख्या 86 ही रह गई है। एनडीए को मिलाकर देखिए तो ये संख्या 101 है। हालांकि भाजपा को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में उसकी संख्या में इजाफा होगा। फिलहाल राज्यसभा में 19 सीटें खाली है और मौजूदा सदस्यों की संख्या 226 है। 19 सीटों में से 4 सीटें जम्मू कश्मीर की है, जहां विधानसभा चुनाव होने के बाद ही राज्यसभा के इलेक्शन होंगे। इसके अलावा 4 सीटें नामित सदस्यों की खाली है, वहीं 11 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होना है। राजस्थान, तेलंगाना, हरियाणा, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा और असम जैसे राज्यों की है। समीकरणों के अनुसार इन 11 सीटों में से 8 पर एनडीए आसानी से जीत हासिल कर सकते हैं तो इस तरफ कुल संख्या 86 तक पहुंच जाएगी। सदस्यों ने लोकसभा का चुनाव लड़ा था और जीतने के बाद उच्च सदन से इस्तीफा दे दिया था। इसमें पीयूष गोयल और भूपेंद्र यादव जैसे नेता भी शामिल है। इसके अलावा एक सीट बीआरएस के राज्यसभा सांसद रहे के केशव राव के इस्तीफे से खाली हुई है, वो अब कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। इस तरह आने वाले महीनों में एनडीए को 8 सीटों पर जीत मिलने के आसार नजर आ रहे हैं। वहीं 3 सीटें विपक्षी गठबंधन को मिल सकती है। कांग्रेस को उम्मीद है कि उसकी संख्या भी तेलंगाना में जीत के चलते 27 तक पहुंच जाएगी। ये आंकड़ा विपक्ष के नेता का पद पाने के लिए जरूरी 25 से 2 सीट अधिक होगा। गौरतलब है कि एनडीए के पास भले ही अपने दम पर बहुमत नहीं है लेकिन राज्यसभा में वाईएसआर कांग्रेस, बीजेडी, एआईएडीएमके जैसे दलों के समर्थन से वो जरूरी बिल पारित कराती रही है। वहीं आपको बता दें कि शनिवार को मनोनीत सांसद राकेश सिन्हा, राम शकल, सोनल मान सिंह और महेश जेठमलानी का कार्यकाल समाप्त हो गया। इन लोगों ने संसद सदस्य बनने के बाद भाजपा की सदस्यता ले ली थी। वहीं राष्ट्रपति की ओर से कुल 12 सांसदों को मनोनीत किया जा सकता है। इन सांसदों में से 5 भाजपा के मेंबर हो गए थे जबकि 7 सांसद किसी भी दल के सदस्य नहीं है। हालांकि ये सांसद बिल पारित होने के मौके पर भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए का ही समर्थन करते रहे हैं। वहीं भाजपा से जुड़े एक और मनोनीत सदस्य गुलाम अली है, वो सितंबर 2028 में रिटायर होने वाले हैं। लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में 19 सीटों पर चुनाव होना है, जिसमें एनडीए को 8 सीट की बढ़त की खबर सामने आ रही है। ये कहा जा रहा है कि राज्यसभा में एनडीए का कोटा जो है वो बढ़ेगा। लोकसभा चुनाव के बाद अब राज्यसभा चुनाव की बारी है और कुल 19 सीटों पर राज्यसभा में चुनाव होना है। इस बार राज्यसभा में कौन अपनी संख्या बढ़ाता है, यानी कि एनडीए गठबंधन या इंडिया गठबंधन, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।